हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे क्या होता है, इसके टाइप्स और वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, जैग्ड एरे क्या होता है और एनिनोमियस एरे क्या होता है और एरे के डिसएडवांटेज क्या हैं, एक्सप्लेन विद प्रोग्राम वगैरह सब देखने वाले हैं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। और भी वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरे होता क्या है? एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावा विच कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मतलब हमें एक सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम एक एरे बना सकते हैं जिसमें हम अपनी सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें हम एक सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो भी कॉन्टीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है, इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसका? डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर साइज, फिर उसके बाद ब्रेस लगा के वैल्यू सेमी कॉलम। इस तरह से हम उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। और भी डेटा टाइप हैं जिसके बारे में डिक्लेयर करते हैं। टाइप्स क्या है इसके? एरे कितने टाइप का होता है इन जावा में? इसमें तीन टाइप के एरे होते हैं जावा में। 1D एरे जिसे कहा जाता है वन डायमेंशनल एरे, 2D एरे जिसे कहा जाता है टू डायमेंशनल एरे, और एक होता है जैक्ड एरे। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, प्रोग्राम के माध्यम से भी। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? एक सिंगल लाइन में डेटा को हम स्टोर करते हैं उसे कहा जाता है वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, यहाँ पर 2, 3, 4 इसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं, या इस तरह से या इस तरह से। चलिए हम उसके प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम लिखा है जिसमें पब्लिक क्लास और 1D एरे हमारा क्लास नेम है, पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल एंड मेन फंक्शन है, जिसमें हमने देखिए डेटा टाइप जैसे डिक्लेयर किया था उसी तरह यहाँ पर भी हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। फॉर AR इसका वेरिएबल है, इसको और जूम कर लेते हैं। AR इसका वेरिएबल है जिसमें A वैल्यू है। यहाँ पर देखिए हमने एक लूप लगाया है फॉर इंट जो 0 से लेके 4 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, जिसको AR वेरिएबल है और ये Y वैल्यूज यहाँ पर जो है। ठीक है, इस तरह हम वन डायमेंशनल एरे को प्रिंट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। इस प्रोग्राम को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। टू डायमेंशनल एरे मतलब जैसे आपने मैट्रिक्स देखा होगा उसको कहा जाता है टू डायमेंशनल, जैसे यहाँ पर 3 वैल्यू 4, 5, 6, 8, 2, 5, 1, 4 इस तरह की वैल्यू जो होती हैं उसी मैट्रिक्स वैल्यू होता है, इसको हम 2D एरे कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करते हैं इसको हम देखें प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम प्रोग्राम देखते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसको हमने 2D एरे का प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल को हम जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 2D एरे क्लास नेम हमने बनाया है और यहाँ पर देखिए हम सीधे मेन फंक्शन में चलते हैं। यहाँ पर हमने इंट लगाया और डबल स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर 2D एरे है इसलिए यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, ये पैरेंथेसिस लगाए और इसके अंदर की ये वैल्यू हैं, ये वैल्यू जो है हमारी 2D एरे की हैं, जिसमें ये एक रो में रहेगी, ये दूसरे रो में, तीसरे रो में रहेगी। इसको प्रिंट किया हमने सिस्टम डॉट आउट योर एलिमेंट प्रिंट किया हमने, जिसकी हम लेंथ फाइंड आउट करके प्रिंट कर रहे हैं। इंट i इक्वल टू 0 और i इज़ ग्रेटर देन AR, यानी वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, उसकी लेंथ क्या है, फिर i++ उसकी लेंथ को फिर प्रिंट कर देगा इसको। उसी तरह से हम j वाले के लिए करेंगे, फिर यहाँ पर प्रिंट करके प्रिंट एलन लगा देंगे जिससे हमारी वैल्यू जो है इस तरह की कुछ प्रिंट हो जाएगी।
ठीक है। यदि कोई डाउट क्लियर ना हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जैग्ड एरे क्या होता है। देखते हैं जैग्ड एरे क्या होता है। जैग्ड एरे का मतलब, हमने जैसे 1D एरे देखा, यहाँ से 1, 2, 3 वैल्यू, ये हो गया हमारा 1D एरे। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 1D एरे। 2D एरे में इसी तरह से नीचे तक हो जाता था, इसको हम कहते थे 2D एरे। लेकिन जैग्ड एरे में हमारी वैल्यूज कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 भी हो सकता है, इसके नीचे 2 ही अंक हो सकते हैं। तो इस तरह के एरे को हम कहते हैं जैग्ड एरे। इस एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, इसको हम प्रिंट करने के लिए एक लूप को यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है इन्हेंस लूप या फॉर इच लूप, जिसका सिंटैक्स होता है फॉर डेटा टाइप, आपकी वैल्यू किस टाइप की, और न्यू वेरिएबल नेम यहाँ पर न्यू रहेगा, ठीक है, वेरिएबल नेम न्यू रहेगा, और कॉलन, और जो आपके एरे का नेम रहेगा वो एरे नेम। एक क्या करता है, एक एक वैल्यू के फेच करके प्रिंट करता है, ठीक है। चलिए इसका प्रोग्राम एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम जैग्ड एरे का प्रोग्राम हमने लिख दिया, जिसका क्लास नेम हमने बनाया है जैग्ड एरे करके, ठीक है। मेन फंक्शन बनाया, उसमें हमने वैल्यू को देखिए कैसे असाइन किया। यहाँ पर देखिए 5 वैल्यूज हैं, यहाँ पर 8 वैल्यू है, इस तरह की वैल्यू हमने दिया है, जिसमें हम फॉर लूप को यूज़ किए हैं। फॉर इंट ए, यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये 2D एरे है, 2D एरे है, क्योंकि ये 2D एरे है, इसलिए इस बार इस वेरिएबल से वैल्यू स्टोर करके आप इस वैल्यू में स्टोर कर लेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसमें आप स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको बी में फेस कर ले रहे हैं या स्टोर कर ले रहे हैं, फिर यहाँ पर बी को प्रिंट कर रहे हैं। यदि 1D एरे होता तो केवल आपको यही काम करना रहता, ये काम करना रहता है, लेकिन यहाँ पर 2D एरे तो इसलिए एक बार ए डबल स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको पहले सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल वेरिएबल में करके स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने पर आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, जब इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू प्रिंट होकर आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं और देखते हैं एनोनॉमियस एरे क्या होता है। एनोनॉमियस एरे क्या होता है इसको देख लेते हैं। एनोनॉमियस एरे, एन एरे विदाउट नेम इज कॉल्ड एनोनॉमियस एरे। वह एरे जो बिना नेम के होता है उसे एनोनॉमियस एरे कहा जाता है। जैसे हमारा कोई भी एरे है, हमने वैल्यू लिखा 1, 2, 3, इसका कोई नाम नहीं, वेरिएबल का इसके नेम नहीं है, इसलिए ये एनोनॉमियस एरे होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने प्रोग्राम को यहाँ पर लिख लिया और इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन क्लास है एनोनॉमियस एरे और ये मेन फंक्शन। एक हमने और क्लास बनाया है, जिसे हमने यहाँ पर देखिए कैल्क नाम का क्लास नेम है, और उसमें एक मेथड है इंट ऐड नाम का, ठीक है, जिसमें इंट रिजल्ट वैल्यू 0 है, फॉर इंट यन कॉलन नम्स, ठीक है, जो नम्स में वैल्यू है उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। फिर हम देखिए मेन क्लास में गए, क्लास को हम ऑफ से कॉल किए ओबजे नाम के ऑब्जेक्ट बना के, और उसमें हम वैल्यू पास कर दी, जो कि नम्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नम्स में कोई वैल्यू नहीं है, पैरामीटर पास करना, हमने यहाँ पर वैल्यू पास किया है, जिसमें पास किए 5, 4, 3, 3। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर तो वैल्यू वेरिएबल बनाकर वैल्यू पास की जा रही है नम्स, लेकिन आप यहाँ पर जो नम्स लिखे हैं यही वैल्यू यहाँ पर फेच हो रही है। यदि इसी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ से पास कर दें तो इस प्रोग्राम को प्रिंट करने के बाद रिजल्ट हमारा इस तरह का मिलेगा, क्योंकि ऐड किया जा रहा है। तो हम चलिए उस तरह का नॉर्मल प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल को हटा दिया, उसको हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पास करते हैं, इस तरह से वैल्यू पास करेंगे न्यू लगा के इंट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद वैल्यू हमारी रहेगी, तो इस तरह की कंटिन्यू वीडियो। चलिए इसके बाद हम इस एरे के डिसएडवांटेज को देख लेते हैं।
वंस वी क्रिएट द साइज कैन नॉट बी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एरे की साइज एक बार आपने बना लिया तो उसको आप ना तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना तो डिक्रीमेंट कर सकते हैं। एक एक डिसएडवांटेज है एरे का। इट स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा, मतलब सिमिलर टाइप की वैल्यू, मतलब आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर किया तो 1, 2, 3 इस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ना है कि आपने 2 स्टोर कर लिया एक बार फिर दूसरी बार 2.5 इस तरह की वैल्यू स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए इसे डिसएडवांटेज में इस पॉइंट को रखा गया है एरे में। ठीक है, आज का असाइनमेंट देख लेते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। व्हाई नीड टू द एरे, एरे की नीड क्यों पड़ी। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एरे। राइट अ प्रोग्राम टू डी एरे। व्हाट इज़ एरे एनोनोमियस और व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ एरे। इसी तरह की कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।